हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दूं, RRB NTPC ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन RPF SSCGD MTS इत्यादि के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर 17 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 16 तक नहीं देखे ना, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर यहां पे वीडियो स्टार्टिंग में यहां पर लिंक आई बटन के रूप में हमने दिया है, वहां से जाके सारी वीडियो का आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देख रहे हैं आपके सामने कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यदि a - 1/a = 6 तो a^4 + 1/a^4 का मान बताना है। आपके सामने ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले इसके लिए आपको एक हम कंसेप्ट सिखाता हूं। अगर मेरे दोस्त कहीं x अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले x + 1/x का वैल्यू कुछ दे दे, मान लेते हैं t दे दे, हमसे पूछे x^2 + 1/x^2 का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब x + 1/x का वैल्यू मान लीजिए t दे रखा है, हमसे पूछा जाए x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना, जो भी वैल्यू दिया है इनका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ से -2 घटा देना। अगर यहाँ पर जो प्लस है इनके जगह पे माइनस होता तो यहाँ पर +2 कर देंगे। बस यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लग जाएगा। यानी कहने का मतलब देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x^2 हो गया, यानी जब भी डबल होगी ना तो ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -2 कर देंगे, अगर माइनस होता तो +2 कर देते। अगर इतना फार्मूला आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही आप आंसर दे सकते हैं। कैसे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है a - 1/a का वैल्यू 6 है, हमें सबसे पहले a^4 + 1/a^4 हमें निकालना है। हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, देखो a - 1/a का वैल्यू 6 दिया है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकलेंगे, क्या a² + 1/a² निकालेंगे। क्या करेंगे, a - 1/a = 6 है तो a² + 1/a² का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे माइनस है तो यहाँ पर +2 कर देंगे, बात खत्म। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 में 2 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 38 हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं। अब मेरे दोस्त हमें क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन को तुम भूल जाओ, अब तुमको क्या निकालना है, यहाँ पर 38 हो गया, अब तुम्हें निकालना है a^4 + 1/a^4 का वैल्यू क्या होगा, हमें निकालना है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम आपको एक बात बताता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ अब इसको तुम भूल जाओ, यहाँ देखो आपके सामने a² + 1/a² का वैल्यू 38 दिया है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 4 हो रहा है, यानी स्क्वायर हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ट्रिक ये लग जाएगा, क्या इनका कर देंगे स्क्वायर, 38 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ बीच में क्या है भाई, यहाँ पर प्लस है, इसीलिए यहाँ से -2 कर देंगे। 38 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1444 होता है, हम सभी कोई जानते हैं। -2 करेंगे कितना बनेगा भाई, 1444 - 2 = 1442। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कर है 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2-3-5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताइए। आपके सामने RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको ये क्या है, ये बिहार है, ठीक है, मान लीजिए बिहार है, और ये क्या है, दिल्ली है। बिहार से दिल्ली के बीच में मान लीजिए जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर है, ठीक है। इतना अगर आप, हम जो समझा रहे हो समझिए, बिहार यहाँ पर है और यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली, इनके बीच दूरी कितनी है, 1000, ठीक है। हम आपको बताते हैं, अगर ट्रेन की चाल मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, ठीक है, तो उसको समय लगता है 5 घंटा, ठीक है। अगर ये बेचारा समान दूरी है, अगर ये 5 घंटा में जाता है 20 के स्पीड से, अगर 20 के जगह पे
मान लीजिए 50 कर देता है तो टाइम ऑटोमेटिक कम लगेगा, 5 घंटा से कम ही लगेगा। कुल मिला के यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है मेरे दोस्त, जब दूरी समान हो ना तो जितना ज़्यादा हम स्पीड करेंगे समय उतना कम लगेगा, जितना ज़्यादा स्पीड होगा समय उतना कम लगेगा, जितना स्लो जाएंगे समय उतना ज़्यादा लगेगा। अगर आप कुल मिला के बात ये कह सकते हैं 3 ट्रेनों के चालों का अनुपात इतना है, ठीक है, इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताना है। मेरे दोस्त हम आपको बताते हैं, जब दूरी कॉन्स्टेंट हो, दूरी क्या हो, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब नियत हो, नियतान, दूरी जो फिक्स हो, तो मेरे दोस्त चाल और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। बातें समझ रहे, कुल मिला के बात, अगर हमारा स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्या करना, इस क्वेश्चन में बोला है 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात इतना है, इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, समान दूरी में लगने वाले समय का अनुपात, अगर चाल का अनुपात इतना है तो समान दूरी तय करने में जो उसका समय लगेगा इनका उल्टा हो जाएगा। 2 का उल्टा 1/2 अनुपात, 3 का उल्टा 1/3 अनुपात, 5 का उल्टा 1/5 किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। हमने आपको यहाँ पर एक ही बात बताया है, जब दूरी मेरे तो समान हो ना तो अगर चाल तेज होगा तो समय कम लगेगा, अगर चाल धीमा होगा तो समय ज्यादा लगेगा। यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर दूरी समान है ना तो चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहां पर चाल का अनुपात दिया तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए मानों के समुच्चयों का माध्य ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। माध्य का मतलब आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, यानी माध्य का मतलब होता है एवरेज, कुल मिला के बात ही है, माध्य का मतलब एवरेज आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्त। एवरेज कैसे निकालते हैं, हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं, जितना टोटल संख्या इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे और जितना संख्या उसी से भाग दे देंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो यानी कि मीन कहो या फिर एवरेज कहो, चलो हम एवरेज ही कहते हैं, एवरेज बराबर मेरे दोस्त मेरे भाई ये टोटल संख्या कितना है उतना नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 पाँच संख्या है तो 5 को हम नीचे रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे दोस्त इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, कितना है 2.2 प्लस 4.2 प्लस 6.4 प्लस 8.3 प्लस 10.5, ये बात समझ रहे हैं आप, अगर इतना बात आप समझ रहे हैं मेरे दोस्त, आप बुझिए कि एवरेज निकालना सीखे या फिर मीन निकालना सीखे मेरे दोस्त मेरे भाई। हमने आपको क्या बोला, इन सभी संख्या को आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐड करके देखते हैं, नीचे में तो 5 रहबे करेगा, ये गारंटी है मेरे दोस्त मेरे भाई। देखेंगे यहाँ 2 और 2 4 4 और 4 8 8 और 3 11 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 के 6 हासिल कितना, 1 1 और 2 2 यहाँ पर है, 1 हासिल 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 8 18 18 और 10 28 28 से 1 1 हासिल कितना, 29 हो जाएगा। बातें समझ रहे, नहीं हासिल कितना आया था, घबरा गया जोड़ने में काम मेरे दोस्त, फिर से काउंट करते हैं, चलो हम लोग काउंट करने में गड़बड़ हो गए काउंट करने, फिर से देखिए 2 और 2 4 4 और 4 8 8 और 3 11 11 5 कितना, 16 16 का हो जाएगा 6 हासिल कितना, 1, ठीक है। 2 में हम 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 4 2 और 4 6 6 और 6 12 12 8 20 20 और 10 30 तीस और एक हासिल कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, कितना हो गया, 31 हो गया। अच्छा, 1 अंक के बाद सब जगह दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, कुल मिला के इनको जब हमने ऐड करा तो कितना आया मेरे दोस्त, 31.6/5 है। जब हम 5 से भागा करेंगे तो कितना होगा, दशमलव को भूल जाओ, 5 से भाग करो, 5 6 30 यहाँ 1 चला गया तो हो गया 16, 5 3 15 यहाँ कितना, 1 बचा, अब दशमलव लगाएगा गया, 1 पे 0 10 5 2 10 यानी 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, आप भाग करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 6.32 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगर जिस भी भाई को भाग करने में दिक्कत हो रही होगी ना, अपने कॉपी पेन उठाएंगे, कॉपी पेन उठाकर वहाँ पे अपने से भाग करेंगे,
ठीक है दोस्त, हम अपने तरीका से किए, आप अपने तरीका से करेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद तो दशमलव पहले से ही दिया गया था, और जब हम भाग करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, इसीलिए दो अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएगा ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य कर लेंगे। माध्य निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, आप सीख चुके हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी अधिक थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले के बात बता रहा है कि 10 वर्ष पूर्व फादर हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे उनकी बेटी यानी डॉक्टर, फादर और डॉक्टर के बीच जो अनुपात था कितना था, 3 गुनी, यानी अगर बेटी 1 साल की थी तो फादर कितने 3 साल के थे, अनुपात की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष बाद इनकी आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद का मतलब प्लस 10 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 10, बातें को समझिए, प्लस 10 कितना हो जाएगा 2 गुनी। अगर डॉक्टर के एज को हम 2 मानते हैं तो फादर के एज कितना हो जाएगा, इनका 2 गुना 4, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ देखेंगे 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ 4 और 2 के बीच में 2 का अंतर है, इसका मतलब दो आदमी के बीच में अंतर हमेशा समान होता है, क्योंकि उन दोनों के, अगर आज मान लीजिए आप 5 साल के हैं ना और आपका भाई अगर 3 साल है, तो आप दोनों के एज में कितना दिन का अंतर है, 2 साल आप बड़े हैं, ये वाला 2 साल छोटा है, तो जिंदगी में कहियो 2 साल बड़े होंगे और 2 साल छोटे का रिश्ता रखेंगे, वही बात यहाँ पर बताएं। यहाँ पर जो बेटी है वो 1 साल के हैं मान लेते हैं, तो फादर 3 साल के हैं, यहाँ पर अगर बेटी कि 2 साल की है तो यहां फादर हो जाएंगे 4 साल के, ठीक है दोस्त। अब हम लोग देखेंगे, यहां देखेंगे अनुपात में 1:2 हुआ, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, यहां भी 1 बढ़ा है, जबकि यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल कितना है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यहां अंतर कितना का है, 20 वर्ष का, यानी 1 का वैल्यू कितना है, 20 इयर्स यानी 20 वर्ष, बातें समझ रहे। तो क्वेश्चन बोला उन सबका वर्तमान आयु बता दीजिए, आप कैसे निकालेंगे, या तो 1 का अनुपात है, 1 का वैल्यू है 20, तो आप 3 का निकाल लेंगे तो 10 साल पहले के आ जाएगा, तो वर्तमान निकालने के लिए 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप 4 का निकालेंगे तो 10 साल बाद का आएगा, 10 साल घटाना पड़ेगा, कोई भी निकाल सकते हो। चलो तो हम 10 साल बाद वाला ही निकाल लेते हैं, तो फादर को हो जाएगा 20 गुना 4 80, और बेटी को हो जाएगा 20 दुनी 40, यानी 10 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात इतना होगा, लेकिन हमें चाहिए प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब 10 वर्ष बाद का ये रेशियो है, प्रेजेंट में इसमें से भी 10 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 30, अनुपात का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म यानी 1:0 से 1:0 खत्म हो जाएगा, 7:3, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे दोस्त, आज के बाद ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना आप जरूर सॉल्व भी कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को समझे हैं कि नहीं समझे ये बताइए। पहले क्वेश्चन ने बोला है दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः, ये जो पाइप है वो 21 घंटे में भर देता है अकेले, और बी अकेले 18 घंटे में भर देता है, अगर दोनों को संगे संगे हम खोल देंगे तो कितना घंटे में भरेगा, यही हम लोगों से पूछा गया है। देखेंगे दोस्त, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ए पाइप है ये बी पाइप है, ए पाइप भरता है 21 घंटे में, बी भरता है 18 घंटे में। सबसे पहले वो पाइप की टंकी की कैपेसिटी मालूम करेंगे, टंकी की कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, 18 से इसको भाग करेंगे तो 18 95 18 6 टोटल 18 7 126, और जब हम 21 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, कुल मिलाकर यहाँ से बात ई रहा मेरे दोस्त, ए जो है बी जो है प्रति बी प्रति घंटा 60 यूनिट भरता है, अच्छा ए प्रति घंटा कितना भरता है 6 यूनिट भरता है, मान लीजिए 6 लीटर ही भरता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने समझा कि नहीं। हमने आपको क्या बताया, ए 21 घंटे में भर सकता है, बी 18 घंटे में भर सकता है, दोनों का कैपेसिटी ले लिए यानी टंकी का टोटल क्षमता जानने के लिए दोनों का एलसीएम ले लिए तो 126 आ गया, ठीक है भाई। और यहाँ पर 18 से जब हम भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 18 से जब हम भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, जब हम 21 से भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा। यहां से आपको हम एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, मान लेते हैं कि बी 1 घंटा में 7 लीटर भरता है, ए 1 घंटा में कितना 6
6 लीटर भरता है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों को संगे संगे खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगा। मेरे दोस्त हम सभी कोई देख रहे हैं, ये जो है 6 भरता है 20 7 भरता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13 भरेंगे एक घंटा में, जबकि भरना कितना है 126 भरना है, और दोनों मिला के 6 और 7 13 भरते हैं एक घंटा में, इसको भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 13 9 17 100 6 8 3 9 अब बटा हो जाएगा 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर 9 पूर्णांक 9/13 हो जाएगा आंसर। लेकिन मेरे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको चकमा दिया गया है, ध्यान से देखिए कोई ऑप्शन में तो मैच करेगा जरूर। देखो यानी कि अगर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्यों, अगर ऊपर नीचा हम 3 से गुना कर देंगे तो कोई वैल्यू पे चेंज करेगा नहीं, कटेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 9 पूर्णांक 9 3 27 / 13 39। देख रहे हैं कितना चकमा दिया है, चकमा दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल। इसलिए आपको आजकल के एग्जाम में साफा क्वेश्चन तो वो चेंज कर ही नहीं सकता है मेरे दोस्त, आपके उसमें कुछ वैल्यू को इधर उधर कर सकता है, बस यही ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया है, अगर जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, कंसेप्ट नहीं सीखा होगा, इसका ऑप्शन ढूंढ ही नहीं पाएगा, हो मिल पाएगा जिंदगी में कहीं ओकरा नहीं मिलेगा दोस्त, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद करके, सॉरी जरूर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बना के कंसेप्ट सीख के जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा ग्रुप डी में। क्वेश्चन बोला है यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 7/3 है, बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 1/7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू बताना है। मेरे दोस्त हम आपको बता रहे हैं, आपने अगर पहले वाले वीडियो देखा है तो यहाँ पर क्या दिया होता था, जैसे ए अनुपात बी बराबर कितना दिया था 2/3 दिया होता था, बी अनुपात सी बराबर मान लेते हैं 4/5 दिया रहता था, तो ए बी सी कुछ का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, पहले वाले वीडियो में आपने अच्छे से देख रखा है मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट दे दिया, तो सबसे पहले जो ये बट्टा में दिया है ना, इसको हम सिंपलेस्ट अनुपात में चेंज करेंगे, ठीक है, इस रूप में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे दोस्त, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 3/2 / 7/3 दिया है, बातें को समझ रहे हैं कि नहीं, कितना दिया है 3/2 / 7/3 दिया है। तो हम इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए जानते हैं क्या करेंगे दोस्त, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, हर में 2 है और 3 है, इन दोनों का एलसीएम इन दोनों में गुना करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो 6 से यहाँ भी गुना और 6 से यहाँ भी गुना, बात को समझ रहे हैं। अब देखो जब हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 3 से 3 में गुना होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा बी के लिए 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कुल मिला के बात ये रहा मेरे दोस्त कि ए का अनुपात में 9 है तो बी का अनुपात में 14 है, ए और बी का मालूम चल गया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है बी और सी दिया है, बी और सी के लिए क्या है 1/5 यहाँ पर दिया गया है, अनुपात में यहाँ पर दिया गया है 1/7। मेरे दोस्त आप लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, इन दोनों का एलसीएम से गुना करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है भाई 35 होता है, तो 35 से हम यहाँ भी गुना करेंगे और 35 से हम यहाँ भी गुना करेंगे। अब देखेंगे 5 से 35 कटेगा 7 बार में, बातें को समझिए, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, तो ए का वैल्यू 7 हो जाएगा। अनुपात 7 से 5 कटेगा 5 बार में, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, बात को समझ रहे हैं मेरे दोस्त। कुल मिला के बात ये रहा कि ए का अनुपात में अगर 9 है तो बी का 14 है, दूसरी बार में क्या बोला है अगर बी का वैल्यू 7 है तो सी का वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हम यहाँ से ए बी सी का अनुपात नहीं निकाल सकते, आप तो मेरे दोस्त पहले वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो जरूर निकाल सकते हैं, कैसे, हमें क्या पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, हमने आपको क्या बताया है ए, यहाँ देखो लिखने का तरीका, यहाँ बी से खत्म हुआ है तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि सही है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ए का निकालना है और सी का निकालने के लिए हमने तो तरीका पहले बता दिया है, नहीं बताया तो जाइए मेरे दोस्त आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो पारा हुआ, आप लोग जाके देखिए कि हम कैसे इसको निकालते हैं। मेरे दोस्त ए का निकालना होगा ना, तो इन ए का निकालना है तो इन दोनों को सीधा सीधे गुना कर देंगे, ए और बी का जो वैल्यू है इन दोनों को सीधा सीधे गुना करेंगे, और सी का निकालना होगा तो इन दोनों को सीधा सीधे
गुना करेंगे। बातें को समझिए, सीख ठीक है। हमने आपको सिखा दिया कि ए बी सी का अनुपात निकलना, ए के लिए इन दोनों को सीधा गुना करेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा 63। अच्छा, बी के लिए खाली स्थान छोड़ेंगे, सी के लिए भी सीधा गुना, 14 × 5 = 25 = 70 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्त, बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बी तिरछा है तो बी के तिरछा गुना करेंगे, 14 × 7 = 98 हो जाएगा। 63, ए का वैल्यू 63, बी का वैल्यू 98, सी का वैल्यू 70। कौन सा ऑप्शन में दिया है? कोई ऑप्शन में नहीं दिया, इसका मतलब कुछ ना कोई ना कोई नंबर से कटेगा, इस 7 से कटेगा। तो इस 7 से कटेगा, 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 28 और 7 × 2 = 70। 9:14:10 किस ऑप्शन में यह दिया? 9 14 10 ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीका से समझे होंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक आ जाता है समझ में, यहाँ तक आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको केवल इतना बता दें, 9:14 दिया है, ए और बी का वैल्यू कितना आया है? 9:14, और यहाँ पर बी और सी का वैल्यू कितना आया है? 7:5। अगर यहाँ तक समझते हैं तो सबको मिटाकर हम एक बार और समझा देते हैं। बातें को समझिए, ए और बी कितना आया है? 9:14, और बी अनुपात सी कितना आया है? 7:5। इसको लिखेंगे मेरे दोस्त, यहां पर हम आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना आया है? 9:14 आया है। अच्छा, बी अनुपात सी कितना आया था? बी अनुपात सी आया था 7:5। हमने आपको क्या बोला था पहले वाले वीडियो में, कभी बताए होंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ए का निकालने के लिए इन दोनों को सीधा गुना, 9 × 7 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। बी के लिए तिरछा गुना, 14 × 7 98 हो गया था। अच्छा, सी के लिए क्या होगा? 14 × 5 70 हो जाएगा। जब हम इनको 7 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, ये जाएगा 14 बार में, और ये जाएगा 10 बार में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 9 14 10 ऑप्शन सी होगा सही। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, हम आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको ये रेशियो बैलेंस करना नहीं आता है ना, तो हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो 2-3 दिन पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डाला हुआ है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे सर्च बार में सर्च करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन सत्येंद्र गुरु जी, आपके एक नंबर में वीडियो दिख जाएगा। आप उसको जाकर कैसे इसको चेंज किया जाता है, रेशियो बैलेंस किया जाता है, आप वहां से ऑटोमेटिकली सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। बहुत बढ़िया, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? आपके सामने अरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 यानी CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, संख्या ए संख्या बी से, देखेंगे संख्या ए है, ये संख्या बी है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। यानी मान लेते हैं कि अगर बी 1 है तो ए कितना है? 8 है। तो बोला है तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, अनुपात में कितना कम है भाई? 7 कम है। अनुपात में कितना कम है? 7 कम है। बातें को समझ रहे हैं? तो ये बताइए, इंक्रीज प्रतिशत यानी कमी प्रतिशत हमें निकालना है। कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी कमी है उसे ऊपर लिखेंगे, 7 का कमी है तो 7 ऊपर आएगा, केकरा से? 8 से, तो 8 आएगा नीचे। कंपेयर किससे कर रहे हैं? 8 से। किससे कम है? 8 से, तो उसको हम नीचे लिखते हैं। अब प्रतिशत में बदलना है इसीलिए 100% से गुना कर देंगे। हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आप जानते हैं? हम इनको जब सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त कितना होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर हम काटने का तरीका देखें, काटेंगे 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, 25 × 7 कितना हो जाएगा? 5 5 7 35 के 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 × 14 = 3 = 17, 175/2 प्रतिशत। इनको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 16, ये 15 2 7 14 यानी 2 7 14 यानी 87 पॉइंट आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपके सामने आएगा ना, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका से सॉल्व कर लेंगे। दोस्त कितना आसान क्वेश्चन था, हमने आपको क्या बताया? देखो यानी बी का अगर 1 है तो 1 का कितना है? 8 है। देख रहे हैं यहाँ पर जो बी है वो 8 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 को ऊपर लिखेंगे। किस से? 8a से, तो a को नीचे लिखते हैं। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 87.5% ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, आज इसको टिक करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, कह रहे हैं जी 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी बताइए। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी को मेरे दोस्त, जीसीडी को ही हम एचसीएफ बोलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जीसीडी बताइए यानी कि एचसीएफ बताइए, ठीक है। आरआरबी जी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब भी पॉइंट वाला आपके सामने, अगर पॉइंट वाला आपके सामने पूछा जाए, क्या पॉइंट वाला एचसीएफ पूछा जाए, आपको क्या करना मेरे दोस्त, सबसे पहले हर जगह दशमलव बराबर कर लेना। जैसे यहाँ पर क्या है, 0.0, यहाँ पर क्या है 1.08 है, यहाँ पर कितना है 0.36 है, यहाँ पर कितना है 0.9 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद दो अंक है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है। तो हमने आपको जो ट्रिक बता रहे हैं, दशमलव के बाद समान अंक कर लीजिए, यानी दशमलव के बाद बराबर अंक कर लेंगे। दशमलव के बाद यहाँ दो अंक है, यहाँ भी दो अंक है, तो यहाँ भी दो अंक करने के लिए एक जीरो अपने से हम लगा सकते हैं। बिल्कुल, जब हम दो जीरो एक जीरो लगा दिए तो दशमलव के बाद यहाँ भी दो अंक, यहाँ भी दो अंक, यहाँ भी दो अंक। तो आपको करना क्या कि दशमलव को भूल जाना है। मान लीजिए यहाँ पर कितना बचा 108 बचा, यहाँ पर कितना बचा 36 बचा, यहाँ पर कितना बचा 90 बचा। अब क्या करो, इन दोनों इन तीनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, हमने यहाँ पर जीसीडी क्यों क्या बताया एचसीएफ, जीसीडी का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब ही होता है फैक्टर। मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ से आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसको कहीं कॉपी में लिखेंगे। जब भी बड़े बड़े नंबर के बीच में हमें एचसीएफ ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, आपको तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखेंगे। देखो, किन्हीं भी, यहाँ पर तीन नंबर है, ये तीन नंबर में किन्हीं भी दो नंबर का बीच का डिफरेंस निकाल लो, या तो उसका एचसीएफ डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। जैसे 108 और 90 और 36 में, 36 और 90 जो है इन दोनों में छोटा है, 36 और 90 108 से छोटा है, तो इन दोनों में हम डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा भाई, डिफरेंस कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 में से 3 जाएगा 5, यानी इन दोनों में अंतर कितना का है 54। या तो 54 एचसीएफ होगा या कोई 54 का फैक्टर एचसीएफ होगा। मेरे दोस्त, 54 108 को डिवाइड करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। 54 36 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब 54 जो है एचसीएफ नहीं हो सकता। अब क्या होगा, 54 का कोई फैक्टर, हम 54 को क्या लिख सकते हैं, 2×27 लिख सकते हैं, ठीक है, 2×27 लिख सकते हैं, 3×18 लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या 2 एचसीएफ होगा मेरे दोस्त, 2 से 108 भी कटेगा, 2 से 36 भी कटेगा, 2 से 90 भी कटेगा, लेकिन 2 एचसीएफ नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा कोई नंबर कॉमन होना चाहिए, 2 तो सबसे छोटा हो गया दोस्त, इसीलिए 2 नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा है। अच्छा, अब बताइए क्या 3 हो सकता है, 2 जब नहीं हो सकता है 3 हो सकता है, 3 से ए भी कटेगा, 3 से ए भी कटेगा, 3 से ए भी कटेगा, 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दोस्त 3 सबसे छोटा है, ठीक है, हमें चाहिए सबसे 12 कोई कॉमन नंबर। अच्छा, 27 हो सकता है, 27 से ही कट जाएगा, 27 से 36 नहीं कटेगा, 27 से जब 36 नहीं कटेगा तो इसका मतलब एचसीएफ 27 भी नहीं होगा। 18 से चेक करेंगे, 18 से 108 भी कटेगा, 18 से 36 भी कटेगा, 18 से 90 भी कटेगा। कुल मिला के बात ये रहा, ऐसा 18 नंबर है जो हाईएस्ट भी है और इनसे तीनों पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा, 18 होगा। लेकिन मेरे दोस्त, आपने एक बात भूल गया कि ये तो पॉइंट वाला ना एचसीएफ है, हो आपने भूल गया कि इनको हमने बराबर किया था, तो कैसे करेंगे, हमने आपको क्या बताया, 2 अंक के बाद दशमलव है, देखो यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो जो भी एचसीएफ निकल के आएगा उसके भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, और एक जीरो यहां पर लगा देंगे सुंदर दिखने के लिए, तो 0.18 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगर आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता है मेरे दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल तरीका से एचसीएफ निकालेंगे। और
चलो 9 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त मेरे भाई एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे जो भी अब वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट का खेला है, कुछ नहीं है दूसरा। ध्यान से देखेंगे, ऊपर में चेक करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 3 3 6 2 8, ऊपर में 8 है बटा, नीचे में दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, नीचे में भी 8 है। इसका मतलब दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8 ऊपर और 8 नीचे है, तो दशमलव को भूल जाएंगे। दशमलव को हम भूल जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर में बच जाएगा कितना, 625। यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में कितना बचेगा, 625 बचेगा, 625 गुना ये कितना बचेगा, 729, ये कितना बचेगा, 289, ठीक है बट्टा। नीचे में देखेंगे हम लोग, नीचे में कितना होगा, यहाँ पर केवल 81 बचेगा, गुना यहाँ केवल 25 बचेगा, यहाँ केवल 17 बचेगा। दशमलव का हमने खेला खत्म कर दिया, क्योंकि ऊपर भी 8 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 8 अंक के बाद दशमलव है। अब हम काट पिट करेंगे दोस्त, देखो यानी कि 25 से 625 कटेगा 25 बार में, अब हम देखेंगे 17 से 289 कटेगा 17 बार में, 81 से कटे कितना बार में, 9 बार में। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 × 9 × 17, यानी 25 × 9 करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब हम इनको गुना करेंगे 17 से, ठीक है, तो कितना होगा, 17 × 25 = 5 हासिल कितना, 8, 17 × 34 + 8 = 42 के 2 हासिल कितना, 4, 17 × 34 + 4 कितना हो जाएगा, 34 × 4 = 38, 3825 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्त, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या था, पूरा का पूरा खेला था पॉइंट का, पॉइंट को कैसे हमने खत्म किया है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे, पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्त। पहली संख्या को अगर हम ए मानते हैं तो ए का 65% प्रतिशत में नीचे में 100 आएगा, प्रतिशत हटेगा तो बराबर कितना, 130 दिया है। अच्छा दूसरा संख्या क्या है, दूसरी संख्या जो है मान लेते हैं बी है, उनका 100 उनका खाली 40% जो है, 40% कितना दिया है, 40% उसका 40% कितना है, 100 है। इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तब अनुपात निकलेंगे। देखो 65 है कम 65, 65 दूनी 2 130, अब ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 100 गुना 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 4 से ही कटेगा 25 बार में। अब 25 से हम नहीं, काटने में थोड़ा दिक्कत हो रही, फिर से काटो। देखो हमने आपको क्या बताया, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 से 10 खत्म, 40% बराबर 100 है। अब ऊपर में 4 बचा, नीचे में 10 बचा, यहाँ देखेंगे ये 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ नीचे में 10 है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 25 यानी 250। अब देखो दोस्त बी का वैल्यू कितना आया, 250, ए का वैल्यू कितना है, 200। इन दोनों के बीच में हम अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, ए और बी, पहली संख्या को ए माने हैं, दूसरी संख्या को बी माने हैं, तो पहली संख्या ए का वैल्यू कितना है, 200, और दूसरा संख्या का वैल्यू कितना है, 250। इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है, तो अनुपात हम नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल, 10 से 10 खत्म होगा। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 × 20, इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 25, 4:5, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।